कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वॉर। कांग्रेस अगर बीजेपी को पनौती बताती है तो बीजेपी कांग्रेस को ट्यूबलाइट कहकर पुकारती है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को अपने ट्विटर हैंडल पर किसी न किसी तरह से घेरती रहती है, जैसे कि इस तस्वीर के द्वारा घेरा। और उसी तरह बीजेपी ने इस तस्वीर के द्वारा कांग्रेस को घेरा और उसके बाद फिर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर वार किया। ऐसे क्वेश्चन ऑफ द डिकेड, टू हूम वाज पीएम मोदी मूविंग इन द स्काई, मूविंग नहीं वेविंग इन द स्काई, क्लाउड्स स्काई कैमरा मैन एंड ऑल। तो इनके बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बीजेपी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी के बीच ये ट्विटर का जो वार है, ट्विटर वार हमेशा चलता रहता है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ट्विटर वार। तो ये बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल गांधी को क्या बताया है, ट्यूबलाइट, मेड इन चाइना ट्यूबलाइट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मैंने जूम करके भी आपको दिखाया है, या अगर आप बोलोगे तो फिर से जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इनके ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल होता है, यहाँ पर ऑफिशियल वार चलता रहता है। कोई दूसरे को पनौती बोलता है तो कोई ट्यूबलाइट, और कोई तो पहुंच जाता है कोर्ट में केस करने की पनौती क्यों बोल दिया, कोई बोलता है कि ट्यूबलाइट को बोल दिया, केस करने कोर्ट में चले जाते हैं। तो ऐसा वार चल रहा है। लेकिन अगर ये लोग ऐसा वार करेंगे तो नॉर्मल पब्लिक क्या सोचेगी, नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी, जब ये खुद ही आपस में वार करने पर पड़े हुए हैं तो नॉर्मल पब्लिक का क्या होगा। अब जैसे कि देख सकते हैं अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तेलंगाना में, जोर शोर से केसीआर को हराने की कोशिश की जा रही है, और राहुल गांधी भी तेलंगाना में लगे हुए हैं क्योंकि राजस्थान एमपीएन छत्तीसगढ़ में इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और रिजल्ट आने वाला है। तो तेलंगाना में इलेक्शन के बीच बीजेपी पार्टी ऐसा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करती है कि नेहरू जी, गांधी, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी करती है, देशभक्ति, विकास एंड धर्म की ओर आगे बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे मीम बना के, ऐसे ऐसे कार्टून बना के पेश किया जाता है, कहाँ पे, ट्विटर हैंडल पर, और ट्विटर हैंडल पर बार चलता रहता है। तो कोई ट्यूबलाइट बताता है, तो कोई पनौती बताता है, और कोई तो कोर्ट ही चला जाता है। तो ये बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल था, कांग्रेस का भी ऑफिशियल हैंडल जैसा कि ये है, आप देख सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस ने बीजेपी के बारे में क्या लिखा है, मी पुअर पीपल आर माई फ्रेंड्स, मतलब मोदी जी बोलते हैं एंड उधर अडानी जी से हाथ मिला रहे हैं, और अडानी जी बोलते हैं कि मैं भी पुअर फ्रेंड्स हूँ। तो ऐसे करके मजाक उड़ाया जाता है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, और इस तरह से ये लोग इलेक्शन के समय एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब पता नहीं कौन सा अच्छा है कौन बुरा है, बट ट्विटर पे वार लगातार चलता रहता है। तो अगर आपको भी ट्विटर का वार देखना है, और ये कांग्रेस के एक और ट्वीट देख लो, जब जस्ट ट्वीट, क्वेश्चन ऑफ द डिकेड, मतलब इस दशक का क्वेश्चन क्या है, टू हूम वाज पीएम मोदी वेविंग इन द स्काई, मतलब आसमान में पीएम मोदी किसे हाथ हिला रहे थे, क्लाउड्स स्काई कैमरामैन एंड ऑल ऑफ द डीज। तो आप ही सोच सकते हैं किसे हाथ हिला रहे थे।